हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत सोशल मीडिया के उपयोग के समय ध्यान रखने योग्य नियमों की चर्चा करेंगे। इस योजना द्वारा प्रदेश में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों तथा छात्राओं की जागरूकता हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, महिलाओं के लिए इंटरनेट सुरक्षा हेतु टिप्स, इंटरनेट पर होने वाले अपराध और भारत सरकार द्वारा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के संचालन एवं उपयोग हेतु निर्धारित नियम। सबसे पहले देखते हैं क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जो जैसा कि आजकल सभी जानते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में, जैसे कि फेसबुक, गूगल द्वारा, गूगल प्लस, यूट्यूब, फ्लिकर, ट्विटर, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आजकल उपलब्ध हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट बेसिकली होती क्या है? यह एक आभासी और वर्चुअल दुनिया जहां आपके सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं, जहां आपके निजी जीवन अथवा दिनचर्या संबंधी जानकारी फोटो, वीडियो अथवा लोकेशन के जरिए पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए आप अपने फ्रेंड्स से, आप अपने रिलेटिव से, रिश्तेदारों से जुड़ सकते हैं। इसका यह फ़ायदा है दुनिया में कहीं भी कोई भी अवेलेबल हो, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमेशा आपसे जुड़ा रह सकता है इंटरनेट के माध्यम से सभी फ्रेंड्स आपके कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। लेकिन वहीं इसके कुछ हानियाँ भी हैं, उसको उपयोग करने में आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है। जैसे कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अगर अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं या अपनी लोकेशन संबंधी जानकारी शेयर करते हैं, और अगर आपने उसमें सिक्योरिटी सेटिंग्स नहीं की हैं, तो वह सभी जानकारी और फोटोग्राफ्स आपकी, जो आपकी स्टेटस होता है, जो आपकी पिक्स होती हैं, वो सभी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होती हैं। पब्लिक डोमेन का मतलब होता है जैसे कि जो है पब्लिकली कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम आगे जानेंगे कि हमें कैसे, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन सावधानियों के साथ आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करना चाहिए। महिलाओं के लिए इंटरनेट सुरक्षा टिप्स। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि पासवर्ड को हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना चाहिए। जैसे कि कभी भी पासवर्ड में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने जो है रिलेटिव्स का नाम, मदर फादर का, अपना नाम नहीं रखना चाहिए। जनरली प्रैक्टिस यही होती है कि डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में डालते हैं या कोई नाम डालते हैं जो कि आसानी से क्रैक किया जा सकता है। जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं किसी भी इंटरनेट वेबसाइट पर, तो पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। उसमें कैपिटल वर्ड्स, स्मॉल वर्ड्स के साथ साथ नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, और 8 डिजिट्स से ज़्यादा का पासवर्ड हमेशा बनाना चाहिए। उसमें कोई भी डिक्शनरी वर्ड, जैसे कि जो जो कि आम लैंग्वेज का वर्ड होता है, उसका उपयोग अगर ना करें तो वो ज़्यादा आपका पासवर्ड मजबूत होता है, क्योंकि डिक्शनरी वर्ड को जो हैकर्स होते हैं, जो आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं, ईजिली उसको क्रैक कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें। तो सभी महिलाओं को और छात्राओं को इस बात पर खास ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, अगर वो किसी अनजान व्यक्ति की है, तो आप उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें, उसी के बाद आप उसको स्वीकार करें, अन्यथा उसको स्वीकार न करें। अपने फोटो व वीडियो सार्वजनिक रूप से शेयर न करें। जनरली क्या होता है कि जब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक को आप उपयोग करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको जानकारी नहीं होती कि आप उसमें सिक्योरिटी सेटिंग्स कैसे करते हैं, और आप जनरली विदाउट एनी सिक्योरिटी सेटिंग आप अपने फ़ोटोज़ को और वीडियोस को सार्वजनिक रूप से शेयर कर देते हैं, और जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको फ़ोटो या वीडियो शेयर करना है, तो उसके लिए पहले आप प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर किसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, उन सभी को सेटिंग्स को आप ऑन करें, और जो है उसी के बाद ही आप अपने फ़ोटो एंड वीडियोस को प्राइवेसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत मैसेज भेजता है, तो उसे तुरंत ब्लॉक करें।
ब्लॉक का ऑप्शन होता है सभी नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में, तो आप अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपको गलत मैसेज भेजा है तो आप उसे वहां से ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि वो दोबारा आपकी प्रोफाइल को एक्सेस ना कर सके। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भूल कर भी अपना मोबाइल नंबर शेयर न करें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आप अपना मोबाइल नंबर किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर शेयर न करें, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो भी आप पोस्ट शेयर करेंगे वो आपके फ्रेंड्स द्वारा रीशेयर की जा सकती है दोबारा किसी के साथ जो है, और वो आपका वहाँ से मोबाइल नंबर लीक हो सकता है। प्राइवेसी सेटिंग्स का यूज़ करें, जिसमें आपको कौन देख सकता है या आपको कौन मैसेज कर सकता है, ये सभी सेटिंग्स वहाँ से उपलब्ध होती हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, इनका ध्यान रखना। अब देखते हैं कि इंटरनेट पर होने वाले अपराध, इंटरनेट पर किस किस तरीके से अपराध हो सकते हैं। वैसे तो इंटरनेट पर साइबर क्राइम बहुत तरीके का हो सकता है, फ्रॉड्स हो सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्राइम होते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं या छात्राओं से संबंधित होने वाले अपराध और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इसमें आता है सबसे पहले साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग बेसिकली क्या है? साइबर स्टॉकिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइबर और दूसरा है स्टॉकिंग। साइबर का मतलब होता है इंटरनेट अथवा कंप्यूटर में मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, स्टॉकिंग का मतलब होता है जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का इंटरनेट के जरिए पीछा करता है और उसे हर तरीके से नुकसान पहुँचाने और प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। इसे हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, यानी कि इंटरनेट के जरिए से आपका पीछा किया जा सकता है। इसमें इंटरनेट के जरिए किसी की गतिविधियों पर नज़र रखना, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाना, उसे धमकी देना, उसकी पहचान चुरा लेना, उसके डेटा या उपकरण के साथ छेड़छाड़ करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना, अब्यूजिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एग्रेशन आदि शामिल हैं। इन हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के जरिए किसी को नुकसान पहुँचाना ही साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। दूसरा है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें साइबर मतलब कि इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी मैंने बताया, और बुलिंग का मतलब होता है परेशान करना, भयभीत करना या डरा धमकाकर काम करवाना। मतलब कि सोशल मीडिया पर किसी को जानबूझकर परेशान या धमकाने वाले मैसेज, कमेंट्स और इमेज या वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर परेशान करना या धमकाने के लिए इंटरनेट या मोबाइल तकनीक का उपयोग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। एक धमकाने वाला व्यक्ति दूसरे को धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का उपयोग कर सकता है। साइबर बुलिंग का बुरा प्रभाव बेसिकली बच्चों के जीवन पर पड़ता है, खासतौर पर उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। साइबर बुलिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान शुरुआत में नहीं होती, पर ये जानकार और अनजान व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे साइबर बुलिंग क्या है इसके बारे में तो हम जान गए, ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले मैं साइबर बुलिंग को समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा, कुछ दिन पहले एक गेम होता था जिसमें ब्लू व्हेल नाम का गेम होता था, एक एप्लीकेशन होती थी जिसमें जो बच्चे होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे, एंड जो पर्सन होता था जो साइबर बुलिंग का काम करता था उस ऐप के ज़रिए वो बच्चों को धमका कर उनसे सुसाइड करवाता था। तो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है साइबर बुलिंग का आज की दुनिया में, जो कि जिसके इससे सबसे ज़्यादा बच्चे बेसिकली प्रभावित होते थे। आपको खुद को साइबर बुलिंग से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी भी किसी के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर को शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग में जाके वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन आपकी पोस्ट को सोशल मीडिया पर देख सकता है और कौन नहीं देख सकता।
और ये भी याद रखें कि आप जो ऑनलाइन पोस्ट करते हैं वह वहीं रहता है, इसलिए सावधान रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने फ़ोन नंबर और अन्य व्यक्तिगत विवरण को टिप्पणियों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के लिए साझा बिल्कुल ना करें। अपने मोबाइल या कंप्यूटर में अनवांटेड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जैसे कि डेटिंग ऐप्स, ऑनलाइन गेम्स को कभी भी अननोन सोर्स से इंस्टॉल ना करें। यानी कि अननोन सोर्स यानी कि जो ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट सोर्स लिंक जो ट्रस्टेड नहीं है, अननोन है, वहाँ से कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या गेम डाउनलोड नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई गलत मैसेज भेजे तो आक्रामक उत्तर के साथ प्रतिक्रिया बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से जो बुलिंग करने वाला व्यक्ति है वो प्रोत्साहित होकर ऐसे मैसेज करना जारी रखता है। यदि ऐसे हार्मफुल मैसेज आपके फ्रेंड्स द्वारा भेजे जाते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो दोबारा आपको ऐसा मैसेज नहीं करें। अगर इसके बाद भी आपको ऐसे संदेश भेजना जारी रखते हैं तो आप इसकी सूचना अपने पेरेंट्स को दें ताकि वे आपकी मदद कर सकें। फेसबुक पर भेजी गई पोस्ट को रिमूव करना मुश्किल होता है, इसलिए फेसबुक का इस्तेमाल बेहद सावधानी और सजगता के साथ करना चाहिए। भारत में ज़्यादातर बच्चे फेसबुक के ज़रिए ही साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। तो ये थी जानकारी साइबर बुलिंग के संबंध में। अगर आपके साथ साइबर बुलिंग होती है तो आप क्या कर सकते हैं? तो पॉइंट्स जो हैं आपको नोट करने कर सकते हैं आप उनको। सबसे पहले इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एल्डर्स इमिडिएटली, अपने माता पिता को या बड़ों को सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि बुलिंग करने वाला व्यक्ति कौन है। बुली को ब्लॉक करना चाहिए फौरन तत्काल प्रभाव से, और उसके द्वारा भेजे गए पोस्ट या मैसेजेस को सेव कर लें। यदि बुली आपके अगेंस्ट सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल रहा हो या आपके मैसेज कर रहा हो तो उन पोस्ट और मैसेज को एविडेंस के लिए अपने पास आप सुरक्षित कर लें ताकि आप उसके खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकें। इसके अलावा नेवर रेस्पॉन्ड टू ए बुली एग्रेसिवली। कभी भी किसी बुली को एग्रेसिव तरीके से आप जवाब ना दें। यदि आपको किसी भी प्रकार का ऐसा संदेश प्राप्त होता है या सोशल साइट पर कोई ऐसी पोस्ट आती है जिससे आप क्रोधित होते हो तो उस पोस्ट को इग्नोर करें और उसका कोई उत्तर ना दें। और फाइनली आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके बार बार मना करने के बावजूद भी वह आपको परेशान करता है और आपको सोशल साइट पे डराने धमकाने या भयभीत करने से संबंधित संदेश या पोस्ट आते हैं तो इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराएं। तो यह सब थे पॉइंट्स जो कि साइबर उत्पीड़न या साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग के बाद आपको लेने चाहिए। गोपनीयता का उल्लंघन और ताक झांक भी इंटरनेट पर होने वाले अपराध में आता है। जैसे कि आपने अगर कोई पोस्ट शेयर करी और आपका कोई फ्रेंड आपकी मर्जी के बिना, आपकी परमिशन के बिना उस पोस्ट को शेयर करता है, उस जानकारी को या आपकी कोई इमेज फोटो को आपकी मर्जी के बिना शेयर किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, तो उसको गोपनीयता का उल्लंघन कहते हैं। या फिर आपके ऑनलाइन रहने के समय पे आपकी विभिन्न गतिविधियों पे जो है निगाह रखी जाती है तो उसको गोपनीयता का उल्लंघन और तानाशाह कहते हैं। बदला लेने वाली पोर्नोग्राफी भी इंटरनेट पर होने वाले अपराध का एक जो है रूप है। जैसे कि अगर किसी से किसी को बदला लेने वाला हो लेने के लिए उसकी फोटोग्राफ्स को एडिट करके पोर्नोग्राफी के माध्यम से डिपिक्ट करना, उसको बदनाम करने के लिए सब किया जाता है। तो इसके लिए भी आप जो है अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनरली सभी ये प्रैक्टिस करते हैं कि आप जहाँ हैं, सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में हैं और वहाँ से आप फोटोग्राफ्स ले रही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है, एंड आप उसको फेसबुक पे फौरन शेयर करेंगे लोकेशन डालते हुए कि यस जो है इस टाइम मैं मैकडी में हूँ। तो उससे क्या होता है, आपकी लोकेशन शेयर हो जाती है और अगर कोई पर्सन आप के ऊपर नज़र रखे हुए हैं जो है आप
को फॉलो कर रहा है तो वह जान जाता है कि आप इस वक्त किस लोकेशन पर अवेलेबल हैं, तो उससे आपको भविष्य में जो है आपकी गोपनीयता भंग हो गई, आपकी लोकेशन उसको पता चल गई, तो आपके साथ कोई भी जो है आगे कुछ भी होने के चांसेस रहते हैं। तो अतः जो है कभी भी अपनी लोकेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के संचालन एवं उपयोग हेतु निर्धारित नियम के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009, इसमें क्या है कि प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक, जो प्रोसीजर्स और सेफगार्ड्स हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस पब्लिकली एक्सेस करने के लिए जो है ब्लॉक करने के लिए, वो सब इसमें रूल्स दिए गए हैं, या आप इसको रेफर कर सकते हैं। दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 में इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हैं। देन फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेट टेक्नोलॉजी रूल्स 2011, जिसमें कि रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स दिए गए हैं। तो यह सभी आप अध्ययन कर सकते हैं जो है रूल्स की जानकारी के लिए। धन्यवाद।